नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 9वीं का संसद का सेट ए का पेपर है। आपको सेट ए पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है, आप देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। पहले क्वेश्चन में आपको सही विकल्पों का चयन करके लिखना है। जिससे हमारा पहला सवाल दिया है सुपुत्रा पदे उपसर्ग अस्ति, इसमें आपको स वाला इज राइट आंसर लगाना है। दूसरा आपका दिया उपहार स्मरण पदे उपसर्ग अस्ति, दूसरे में आपको लगाना होगा यहाँ पर आ वाला। इसके साथ आपका ग वाला दिया है आदु लिखते सुषष्टी व्युक्तम शब्द अस्ति, तो यहाँ पर तीसरे में आपको राइट उत्तर यहाँ पर लगाना होगा यहाँ पर स वाला। इसके साथ आपका चौथा दिया है जन के स्मिन पदे वचनम अस्ति, तो यहाँ पर चौथे में आपको राइट उत्तर यहाँ पर लगाना होगा बा वाला। इसके साथ आपका यहाँ पर पांचवें यहाँ पर सही विकल्प दिया है व्याभ्याम स्मिन पदे वचनम अस्ति, तो इसमें आपको राइट उत्तर यहाँ पर लगाना होगा सा वाला द्विवचनम। अब यहाँ पर हमारा छठा सही विकल्प देख लिखा आदु लिखते सु संज्ञा पदम नास्ति, तो इसमें आपको राइट उत्तर यहाँ पर लगाना होगा आ वाला, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दो दिया, क्वेश्चन दो में आपको क्या करना है खाली स्थान की पूर्ति करना है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिएगा आपको यहाँ पर 6 खालतन दिए, 6 खालतन का आपको उत्तर मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, तो वह देखकर यहाँ पर खालतन की पूर्ति कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 दिया, क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है युग मेलन कुरुत, आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही जोड़ी पूछी जाने वाले है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको सही जोड़ी का मिलान भी मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ पर सही जोड़ी के कम्प्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 दिया है, क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है एक वाक्य उत्तरम लिखत, आपको एक वाक्य में इन क्वेश्चनों के जवाब देना होगा। जैसे कि यहाँ पर देख लिखा आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आपको 6 क्वेश्चन के दिए, यहाँ पर 6 क्वेश्चन के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 दिया, क्वेश्चन 5 में आपको क्या कहना है शुद्ध वाक्य के समक्ष आपको आम लिखना होगा, अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको ना लिखना होगा, तो इनके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ से कम्प्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6 देख लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर का पूछे जाने वाला, ठीक है, इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 7 आपका दिया, इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। और 8वां क्वेश्चन आपका दिया, ठीक है, 8वें के बाद यहाँ पर हमारा 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 9वें के बाद यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आपको दिया है, 10वें के बाद यहाँ पर हमारा 11वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, 11वें के बाद यहाँ पर 12वां के बाद यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आपको दिया, ठीक है, 13वें के बाद यहाँ पर हमारा 14वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर 15वें के बाद यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आपका दिया, 16वें के बाद यहाँ पर हमारा 17वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपको इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर आपको इसी गद्यांश से चाट कर लगाना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा इसका 8वां वाला क्वेश्चन दिया है, इसके 8वां वाले क्वेश्चन में आपको सेम वही करना है। इसके साथ ही आपका हमारा 18वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 18वें क्वेश्चन में आपको एक है गद्यांश, यहाँ पर पद्यांश आपको दिया है, इस पद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर आपको यही से चाट कर लगाना होगा, और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आपको सेम वही करना है। अब यहाँ पर हमारा 20वां क्वेश्चन देख लीजिएगा आदु लिखते सु नाट्यांशम अधिकृत प्रश्न नाम उत्तरानी लिखत, आपको इन क्वेश्चनों के जवाब देना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नाट्यांश दिया है, इस नाट्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर आपको इसी नाट्यांश से चाट कर लगाना है, ठीक है, जिससे 3 नंबर आपसे कम्प्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा इसका 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, और यहाँ पर हमारा 21 क्वेश्चन दिए, 21 क्वेश्चन में आपको क्या करना है 21वें क्वेश्चन में आपको 2 श्लोक आपको लिखना होगा, ठीक है, परीक्षा में। और इसके 8वां वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको पितृप्रति परीक्षाया परिणाम सूचकम पत्रम, आपको यहाँ पर क्या करना है एक पत्र आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। इसके साथ आपका 22 क्वेश्चन देख लीजिएगा, 22वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है इसमें आपको यहाँ पर अपटीत गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इस गद्यांश का आपको उत्तर यही से चाट कर लगा लेना है, जिससे 4 नंबर यहाँ से कम्प्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 23 देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है किसी एक विषय पर आपको क्या करना है एक निबंध आपको लिखना होगा संसद भाषा में, जिससे 4 नंबर यहाँ से कम्प्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा,
यहाँ पर इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप लगा लीजिएगा, जिससे कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था। पहले क्वेश्चन में आपको सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही आप पर हमारा क्वेश्चन दो का उत्तर लगा लीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन दो के आपके उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीन का यहाँ पर उत्तर लगा लीजिएगा, क्वेश्चन तीन में आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फोर देख लीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है फोर के आपके उत्तर हो जाएंगे, जिसमें आपको एक शब्द का एक वाक्य में आपको उत्तर लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पाँच के उत्तर लगा लीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन पाँच के आपके उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर पाँच के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा छठे क्वेश्चन का उत्तर आपको हो जाएगा, छठे के बाद यहाँ पर सातवें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया हुआ है, सातवें के बाद यहाँ पर हमारा आठवां, आठवें के बाद यहाँ पर हमारा नौवें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया हुआ है, ठीक है। नौवें के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा दसवें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, दसवें के बाद यहाँ पर हमारा ग्यारहवें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, ग्यारहवें के बाद यहाँ पर हमारा बारहवें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया, ठीक है। बारहवें के बाद यहाँ पर तेरहवा का उत्तर आपको दिया, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तेरहवें के बाद यहाँ पर हमारा चौदह क्वेश्चन का आपको उत्तर दिया, चौदह के बाद यहाँ पर हमारा पंद्रहवें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया, पंद्रहवें के बाद यहाँ पर सोलहवा, सोलहवें के बाद यहाँ पर सत्रहवें क्वेश्चन का उत्तर आपको पूरा का पूरा यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अट्ठारहवें क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिएगा, ये हमारा अट्ठारहवें क्वेश्चन का उत्तर आपको हो जाएगा, ठीक है। और उन्नीसवें क्वेश्चन में आपको एक श्लोक लिखना है, श्लोक आपको स्वयं अपने किताब से देख कर याद कर लेना है। अब यहाँ पर हमारा बीसवें क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिएगा, ये हमारा बीसवें क्वेश्चन का आपको उत्तर हो जाएगा। बीसवें के बाद यहाँ पर हमारा इक्कीसवें क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिएगा, ये हमारा इक्कीसवें क्वेश्चन का आपको उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इक्कीसवें के बाद नीचे वाला हमारा बाईसवें क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा। और तेईसवें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, संस्कृत भाषा में आपको एक निबंध लिखना है, तो निबंध आपको अपनी बुक से देख कर याद कर लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कक्षा नौवीं का संस्कृत का आदिवासी परीक्षा 2024 का यहाँ पर पेपर कम्प्लीट हो जाएगा। इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद वंदे मातरम।